Perfect. Perfect. होप सभी लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी नमस्ते। एंड ऑन योर स्क्रीन आ रही है भारत बेंच की स्टाफ बस, और ये है 1027 पर बेस्ड। इसका इंजन कैपेसिटी मिलेगी 3907 सीसी के साथ। ये 6-speed मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ मिलती है, और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है आज उसी के बारे में बात करेंगे। भारत बेंच जो है एक लग्जरी व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए फेमस है। भारत की जितनी भी वैन मैन्युफैक्चरर है उसी प्राइस रेंज में इसके अंदर हमें थोड़े लग्जरी फीचर्स थोड़े ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस भारत बेंच की स्टाफ बस के बारे में, इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। 37 की सीटिंग कैपेसिटी के साथ ये बस आपको मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे इसके एक्सटीरियर से, फिर इसके इंटीरियर में जाएंगे, बाद में इसके टेक्निकल स्पेक्ट्स को कवर कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से, फ्रंट में हमें क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले टॉप से, टॉप में आपको हर बस की तरह यहाँ पर भी आपको दो लाइट दिख जाएंगी टॉप में, हेलोजन की बड़े से ORVM। यहाँ पर सामने दोनों ORVM के साथ साथ यहाँ पर कन्वेक्स लेंस मिल गए ब्लाइंड स्पॉट को ख़त्म करने के लिए। पूरा स्पॉट मतलब सीधा आपको फेस यह मिलेगा, जिसके ऊपर भारत बेंच का लोगो और भारत बेंच की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। दो वाइपर और दो वाशर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइट्स की बात कर लो तो लाइट्स पूरा हेलोजन में देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर आपको DRL भी देखने को मिल जाएगी। सामने का लुक कुछ ओवरऑल ऐसा देखने को मिलेगा। साइड में ड्राइवर के चढ़ने के लिए जगह यहाँ पर मिल गई। लोकेबल आपको ये दरवाज़ा देखने को मिलेगा, अंदर बाद में चलेंगे, पहले बाहर देख लेते बाहर क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर आपको साइड टर्न इंडिकेटर मिल गया हेलोजन में, और यहीं पर आपको थोड़ा पीछे AdBlue एंड डीजल का इनलेट देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल यहाँ पर मिलने वाली है 235/75 R17.5 की, ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। और इसके अलावा साइड में आपको इमरजेंसी डोर जो है राइट हैंड साइड में ही देखने को मिलेगा। जो पीछे की तरफ जो है इसमें 4 टायर मिलेंगे, मतलब 2 का जोड़ा मिलेगा हर एक साइड। ओवरऑल लुक साइड प्रोफाइल का कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको, पूरा कैबिन जो है आपका स्टील नज़र आएगा, और ऊपर आपको इसका AC नज़र आ जाएगा। इमरजेंसी यूजेस के लिए यहाँ पे आपको फुटस्टेप मिल गया है। एंड ये है इसका बैक प्रोफाइल, सील्ड ग्लास है, पीछे भी आपको भारत बेंच की बैजिंग देखने को मिलेगी। एंड ऊपर टॉप की तरफ आपको दो अगेन वही लाइट देखने को मिल जाएगी, हाई माउंट लाइट जो है। एंड यहाँ पर भारत बेंच की बैजिंग, और ये आपके हेलोजन में टेल लाइट एंड रिफ्लेक्टर, और ये आपकी नंबर लाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टोरेज स्पेस इसके अंदर नहीं है, सिटी के हिसाब से स्टाफ बस के तौर पर इसको आप प्रेफरेबली बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो बैक प्रोफाइल का लुक है कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके अंदर, देता हूँ ड्राइवर के लिए क्या क्या मिल रहा है, फिर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए इसके अंदर हमें क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। पुरानी बसेज की तरह ही पुराना दरवाज़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। चढ़ने के लिए भी पुराना ही पैटर्न फॉलो किया गया है। स्टेप इन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर, और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, एंड ऊपर आपको ग्रैब हैंडल दे दिया गया है। एक ग्रैब हैंडल आप यहाँ पर दे दिया गया है, आप इनकी मदद से ऊपर चढ़ सकते हैं। हियर वी गो। ये अब हम आ गए हैं बस के अंदर। अब ड्राइवर साइड से अंदर आ गए तो पहले ड्राइवर की सुविधा के, ड्राइवर के कंफर्ट के लिए फीचर्स देख ले कि क्या क्या मिल रहा है। ड्राइवर की सुविधा के लिए आपको पावर स्टीयरिंग, टिल्टेबल पावर स्टीयरिंग है, इसकी मदद से ये आप ये लीवर दिया, इसकी मदद से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं। ये इसकी पोजीशन लॉक अनलॉक होके आप ये टिल्टेबल आपको यहाँ पर पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा डैशबोर्ड पर आपको इधर आपको स्पीडोमीटर, इधर आपको RPM मीटर मिल जाएगा। यहाँ पर प्रेशर गेज यहाँ पर मिल गया, दूसरा प्रेशर गेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सारे एयर ब्रेक है तो एयर ब्रेक का दोनों तरफ का प्रेशर। बीच में MID जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई, एवरेज क्या दे रही है। जस्ट अभी तो आप चेक कर रहे हैं कि 5 की एवरेज ये दिखा रही है, तो ये एवरेज जो है सिटी के हिसाब से इसकी एवरेज यहाँ पर आपको अवेलेबल हो रही होगी, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इधर
ये वाला पार्ट जो है एसी के कंट्रोल हैं सारे, यहाँ से आप टेम्परेचर अप डाउन ऑन ऑफ, फैन की स्पीड प्लस माइनस करना हो तो इससे कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका अनाउंसमेंट के लिए, यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पर आपको स्पीकर वगैरह कंपनी लगा के दे रही है, और आपको अनाउंसमेंट वगैरह ड्राइवर को कुछ सपोज कुछ करना है तो आप यहाँ से इसका माइक को ला के चेक, होप सुना होगा आपको, हेलो इको, हेलो हेलो, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप माइक वगैरह कनेक्टेड है तो आप यहां से अनाउंसमेंट वगैरह कर सकते हैं। यूएसबी का भी ऑप्शन मिल जा रहा है, ऑक्स का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। इसके अलावा नीचे की तरफ यहां पर आपका ये हेडलाइट लेवलर जो है रीजनरेशन के लिए स्विच दे दिया गया है, और ये वाला आपका किसके लिए दिया है मुझे नहीं पता, इसका मैं आपको पूछ के बताऊँगा। केबिन की लाइट के लिए कंट्रोल आपको इधर दिख जाएंगे, यहाँ से आप केबिन की लाइट, जैसे ये इसकी केबिन की लाइट ऑन होगी सारी, और इस स्विच से आपकी ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी, एंड ये वाला जो स्विच है दरवाज़ा ओपन एंड क्लोज करने के लिए है, ये दरवाज़ा आपका क्लोज हो गया। ओनली आपको ये इलेक्ट्रिक लॉक के साथ ही देखने को मिलेगा, आप मैनुअली इसको ओपन नहीं कर सकते, ओपन करना हो तो आपको यहाँ से ये बटन दबाना है एंड ये आपका ओपन हो गया। अब बात करते हैं इधर, आपको यहाँ पर इमरजेंसी SOS बटन दिख गया इमरजेंसी के लिए, तीन जोन में ये गाड़ी डिवाइड की गई है, और ये सारा आपको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, कोई फॉल्ट है या कुछ फायर वगैरह है तो उस केस में सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर को मिल जाएगा, तो जहाँ पर भी फायर होगी तो वहाँ पर ये आपके इस टाइप की ये जो दो ये लाइट और एंड ये वाली लाइट आपकी ब्लिंक हो जाएगी इमरजेंसी के केसेस में, ठीक है। और यहाँ पर जो मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है 6-speed गियरबॉक्स के साथ, 6 फ्रंट और 1 आपको रिवर्स देखने को मिल जाएगा, एंड को ड्राइवर की सीट आपको थोड़ी नॉर्मल सी देखने को मिलेगी, ड्राइवर एंड को ड्राइवर की सीट ही आपको विनाइल टच के साथ मिलती है, बाकी सारी सीटें आपको फैब्रिक अपोलिस्ट्री के साथ देखने को मिलती है। अब चलते हैं पैसेंजर की सुविधा के लिए क्या क्या ऑफर किया गया है वो चेक कर लेते हैं। दरवाज़ा मैंने यहीं से ओपन कर दिया है, अब इस अंदर जाने के लिए आपको, जैसे मैंने दरवाज़ा वहाँ से ओपन कर ही दिया था तो यहाँ से आप सीधा अंदर जा सकते हैं। ये सारे स्विचेज जो हैं हैंडल के दिए गए हैं, यहाँ से आपकी चढ़ने के लिए इधर भी ग्रैब हैंडल और इधर भी आपको ग्रैब हैंडल दे दिया गया है। डस्टबिन की सुविधा मिल गई है आपको यहाँ पर, पैसेंजर मतलब गाड़ी के अंदर कचरा ना हो। दूसरा आपको टूल बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और इमरजेंसी में फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सीट्स की, सारी आपको एडजस्टेबल सीट्स मिलेगी कार की तरह, और हर एक सीट पर सारी सुविधाएँ दे दी गई हैं एडजस्टेबल आर्मरेस्ट के साथ। ये वाले बटन से इसका रेक्लाइन एंगल एडजस्ट हो जाता है, और इस वाले बटन से इसकी पोजीशन आप स्लाइड करके आप बाहर की तरफ कर सकते हैं। ये वाली जो सुविधा है या ये वाला फीचर है जो जनरली दूसरी बसेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा, खैर यहाँ पर आपको मिल रहा है तो आप एंजॉय कीजिए। उसके अलावा हर सीट पर आपको USB चार्जर देखने को मिल जाएगा, दो यहाँ पर USB चार्जर ऑफर कर दिए गए हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर स्पीकर, SOS बटन, और ये आपके AC वेंट कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, और रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैंने बैटरी कट ऑफ कर दी है तो यहाँ पर ये ऑन नहीं हो रहे, नहीं तो ये बैटरी ऑन होगी तो आपको ये दोनों रीडिंग लैंप ऑन हो जाएंगे। और ऊपर की तरफ जो अपोलोस्ट्री है कपड़े में है, ये वाला पार्ट जो है ना कपड़े में है, बाकी जगह यहाँ पर ना लकड़ी होती है या वुडन पार्ट होता है या कुछ प्लास्टिक का पार्ट होता है, यहाँ पर वो नहीं है। कार में जो टच रहता है ना कपड़े का, वो वाला टच आपको यहाँ पर दिखेगा। सारी लाइट यहाँ पर जो है LED में देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ आपको दोनों तरफ लगेज एरिया दिख गया है, काफ़ी सफिशियंट लगेज एरिया है, काफ़ी चौड़ा है, हाइट जो है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप करीब अपना डेली एसेंशियल के लिए लैपटॉप बैग, बैकपैक वगैरह आराम से कंफर्टेबली रख सकते हैं। इस रो में ये दो दो की जो रो है इन पर 30 जन, पीछे 5, टोटल 35 लोग यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और उनके लिए लगेज रखने के लिए पूरा स्पेस दिया गया है। हर एक रो पर आपको SOS बटन जरूर नजर आएगा इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये वाला जो है हैमर, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ग्लास तोड़ना हो तो हर एक रो पर आपको ये हैमर भी नज़र आ जाएगा। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए यहाँ पर हर एक सीट पर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, बोतल होल्डर मिल जाएगा, पीछे मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पर पैर रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा, और इमरजेंसी में यदि कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो ये आपका इमरजेंसी डोर है, इमरजेंसी एग्जिट आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आप यहाँ से इमरजेंसी में तोड़ के आराम से निकल सकते हैं। तो कुछ ऐसा इसका सामने का व्यू नज़र आएगा। अब चलते हैं बाहर की तरफ और फिर इसको आपको टेक्निकल स्पेक्ट्स जरूर दिखा देते हैं बाहर चल के इस बस के।
तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट बार्क बेंच बस के बारे में। कंपनी फिटेड बस है, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आफ्टर मार्केट नहीं है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो आपको कंपनी ने ही फिट करके दिया था। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये आपको साझा की है। इसके अलावा इसकी जितने भी टेक्निकल स्पेक्स है, लाइक इसके डायमेंशन, GVW, इंजन की कैपेसिटी, इंजन का टॉर्क और जितने भी इसकी टेक्निकल स्पेक्स है, वो आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसके अलावा यदि आपको लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन इस बस के बारे में छूट गई है, तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मॉडर्न नॉलेज अड्डा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इसी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक आप टू व्हीलर चलाते तो हेलमेट का प्रयोग और फोर व्हीलर चलाते तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून। जय हिंद।